वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी शाम के 5 या 5:15 बज रहे होंगे और मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं मार्केट तक, थोड़ा सा सामान लेकर आना है, राशन वगैरह, तो इसलिए जा रहे हैं। और नर्सरी जाऊंगी, एक दो प्लांट मुझे लेकर आना है, तो बस मैं इसलिए जा रही हूँ। और थोड़ा बहुत ऐसी कुछ, अभी त्यौहार आने वाले हैं तो थोड़ा बहुत उसका भी कुछ सामान लेकर आना है, तो वो भी लेकर आएंगे क्या क्या लेने के लिए जा रहे हैं। तो आगे का ब्लॉग देखोगे तो पता चल जाएगा। मुझे भी पता नहीं कभी कहाँ कहाँ जाने वाले, 2-3 चीजें तो डिसाइडेड कि वहीं वहीं जाना है, तो बस वहीं जाएंगे, ले आएंगे। और कुछ एडिशनल हो जाता है कुछ चीजें और सामान करता है कि चलो टाइम है तो चले आएंगे, क्योंकि अभी एक्चुअली ना खाली गाड़ी भी मतलब अच्छे से ड्राइव करने लगे हैं हम, तो फिर जा रहे हैं हम लोग। नहीं तो फिर ऐसा होता ना कि ज्यादा दूर ड्राइव नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग भी इतना उनको फोर्स नहीं करते, नहीं चालू करके मैं खुद ही एक्टिवा लेके चली जाती हूँ, और जो मुझे समझ में आता है मैं अपने हिसाब से फिर सामान लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ पे देखो नारियल पानी रखा हुआ है, बट आज ना हम दोनों ने नारियल पानी सुबह से नहीं पिया हुआ है ना, तो रखा हुआ है। अब वो ज़्यादा दिन मतलब कट के रखा रहता है ना, तो वो ऊपर का जो रहता है ना वो थोड़ा सा ख़राब सा होने लग जाता है, इसी वजह से ना मुझे लग रहा है कि वो ख़राब हो गया। और उसमें ना फिर छोटे छोटे के उड़ने वाले वो मच्छर टाइप के ना, तो वो बैठने लग जाते हैं, मैं उसको पन्ने में ही रखती हूँ हमेशा। तो बस अभी हनी भी आ गए, तो हनी भी रेडी हो रहा है, फिर निकलते हैं हम लोग मार्केट। और क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सारी चीज़ आपके साथ भी शेयर करेंगे। मुझे लगा आगे तक लेकर आ रहे हो। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ये वाला रूट का सबसे खूबसूरत व्यू। अभी सन सेट हो रहा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इस रूट पे आती हूँ ना, तो मुझे इस टाइप का जो व्यू होता है ना, वैसे भी मैं ग्रीनरी लवर हूँ, आप लोग को अब तक तो पता चल ही गया होगा, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। दोनों तरफ खेत हैं, बीच से रोड होते हुए जा रहा, और अभी तो सनसेट भी हो रहा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा आसमान, आई लव इट। किस किस को अच्छा लग रहा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ये रूट आप लोगों ने कितना एंजॉय किया वो भी बताना। तो चलो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग नर्सरी पहुँचने वाले हैं, और क्या क्या प्लांट खरीदने वाले, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदना, एक या दो प्लांट मैं सोच कर आई हूँ, अगर वो मिल जाएंगे तो फिर परचेस कर लूँगी, अगर नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं चलता है। तो चलो ये खूबसूरत सा व्यू देखकर एंजॉय करो। हम लोग आ चुके हैं नर्सरी में, और देख लेते हैं प्लांट कौन सा चाहिए। आज हम लोग थोड़ा जल्दी आए हैं, तो देखो कितने प्यारे प्यारे प्लांट, बराबर नहीं करी गया, तो इधर बहुत सारे प्लांट हैं जो मुझे प्लांट चाहिए वो पहले देख लेते हैं। चलो मैं आप लोग को पहले नर्सरी छोड़ के, या हफ्ता भर भी हो जाता है उसके बाद ही करती हूँ। पर वो पता नहीं उसमें कुछ तो क्या फर्टिलाइजर तो मैंने थोड़ा सा डाला था, पर उसकी वजह से भी हो सकता है ना। फर्टिलाइजर क्या डाल दिया आपने? फर्टिलाइजर ही डाला था, मतलब खाद ही डाला हुआ था। खाद ही डाला ना, कुछ उसमें खाद से तो कुछ नहीं हुआ होगा ना, ऑर्गेनिक डाला होगा ना आपने तो। हाँ ऑर्गेनिक, जो आपके यहाँ से लेके गए थे ना, बस वही डाला, कुछ नहीं होता है वो। क्या पानी ब्लॉक हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है ना। ठीक है, हम उसके छेद को कुछ कर दूंगी, तो वो खोल दूंगी। गमला चेंज करना, उसको गमला चेंज कर दो, गमला चेंज कर देना उसको। ठीक है वो वाला दे दिया ना आपने। हाँ। ये वाला, ये वाला कितने का पड़ेगा? ये 300 का, इसका छोटा वाला 150 का। भैया ये चीज मुझे बताओ कि हाँ। जब ये आप उधर दुकान लगाते हो। हाँ। मुझे जो जो प्लांट चाहिए थे ना वो मैंने ले लिए हुए हैं, बट अभी एक और जो प्लांट चाहिए ना वो अभी भैया के पास है नहीं, तो भैया बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद वो आएगा, तो फिर आ जाएंगे, या फिर 15 दिन बाद जब भी आएगा तब आएंगे, पर वो मुझे चाहिए ही चाहिए। भैया उस प्लांट का क्या नाम है जो मैंने आपको बताया? वो पाइकस वेरिएटेड बोलते हैं उसको, पाइकस 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 वेरिएटेड। ठीक है, आप वो मंगा के रख लेना। हाँ। फिर मैं आऊंगी ना, मतलब नेक्स्ट संडे तक आऊंगी, तो आ ही जाएगा ना। ठीक है, हम लोग आ गए हैं नर्सरी से, प्लांट वगैरह जो परचेस करने थे ना वो कर आ गए हैं, और हनी गाड़ी लगाने उस साइड गए,
वैसे तो सेट भी रख सकते हैं, बट ये ना कि हमको यू टर्न करके घर जाना ही पड़ेगा ना, तो फिर हनी बोले कि चलो मैं वहीं घर के आ जाता हूँ, तो वो वहीं गाड़ी खड़ी करके आ गए। और अभी हम लोग आए हैं साड़ी की शॉप पे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं साड़ी लेने के लिए। इस त्यौहार आ रहा है ना, तो साड़ी लेना तो बनता है, तो चलो साड़ी लेने चलते हैं। अपने लिए ले रही हूँ या किसी और के लिए ले रही हूँ वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, पहले अंदर चलते हैं साड़ी ले लेते हैं। तो उसको भी निकाल देंगे तो फिर रखूंगी कहाँ, चलो उसको सीट पे रख दो, बैग ले लीजिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऋषि सुपर मार्केट, जहाँ से हम लोग हमारी घर गृहस्थी का सामान लेंगे। चलो चलते हैं और ले लेते हैं सामान। ये ज़्यादा बड़ा मतलब वो तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट ज़्यादा छोटा भी नहीं, तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, जो जो चीज़ें ज़रूरत की है ना वो हमें सब मिल जाती हैं यहाँ। कहाँ गए हो यार? नहीं बड़ा वाला दे दो, उसको थोड़ा हाँ और दो बड़ा ये रख दो, ये लीजिए कॉफी ले ली क्या? चलो घर आ गए थे, काफी देर हो गई हम लोग घर आए हुए, 1 से 2 घंटा हो गया है। और ये बस सामान वगैरह मैं रखती हूँ, सेट करती हुई हूँ, और मैंने खाना भी बना लिया हुआ है, मतलब दाल बन गई है मेरी, चावल मैंने अभी चढ़ा दिए हुए हैं, और ये रही मेरी दाल, और मैंने आटा गला के रखा हुआ है। बस अभी जैसे ही बोल देंगे ना हनी कि चलो खाना खाना है करके, तो वैसे मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ डाल दूंगी और खाएंगे फिर खाना। और हम क्या क्या सामान लेकर आए हैं, हम लोग लेकर आए हैं राशन का सामान, और नर्सरी गए थे तो नर्सरी का सामान लेकर आए, और साड़ी लेकर आई हूँ। साड़ी वाली शॉप में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया हुआ है। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी कौन सी साड़ी खरीदी हुई है, बट फिर इतनी ज़्यादा मतलब अभी तो 30 त्यौहार आने वाले, करवा चौथ आने वाला है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा मार्केट में भीड़ है साड़ियों को लेकर, साड़ियों की शॉप पे ज़्यादा भीड़ है अभी तो। और दिवाली आ जाएगी तो फिर साड़ी शॉप पे और ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो चलो अभी मैं देख लेती हूँ हनी क्या बोलते हैं, और आज ना हनी देखो क्या देख रहे हैं, उनको ना क्रिकेट देखने का बड़ा मन कर रहा था, तो वो क्रिकेट देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा क्रिकेट आ रहा है, तो चलो वो देख रहे हैं और मैं जाती हूँ खाना बनाने। हमारा खाना हो गया है और मैंने मुँह हाथ वगैरह भी धो लिया हो, तो दिखाऊँ आप लोग को ये क्या है, ये देखो ये है बादाम, मैंने गलने के लिए रखी हुई है, और दूध अभी गर्म किया हुआ था तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसके बाद मैं रखूँगी फ्रिज में। और इधर देखो पूरे कमरे को क्या बना के रखा हुआ है, क्योंकि बाहर ना एकदम से पानी आना स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने शर्ट धुली हुई थी 4-5 हनी की, क्योंकि वाइट कलर की ना अगर थोड़ा सा भी इसमें दाग लग गया ना तो फिर वो दाग छोड़ देगा, तो मैंने ना अंदर डाल दी हुई, बाकी ये सूख गई है, तो अभी मैं इनको उठा के रख दूंगी, बाद में मैं अभी तो प्रेस करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं, क्योंकि अभी आने वाला है बिग बॉस, तो मैं बिग बॉस देखूंगी और प्रेस मैं कल करूंगी, आज तो नहीं करने वाली हूँ। तो चलो अभी ना मैं ये जो सामान, ये देखो मैंने बर्तन वगैरह जो थे ना मतलब डिब्बे वगैरह थे ना, जो सामान खत्म हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी लगे हाथ धुल ली देते, क्योंकि दिवाली भी आने वाले, तो सफाई करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया हुआ मैंने। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा वाला प्लांट लेकर आई हूँ, तो ये देखो ये वाला मैं प्लांट लेकर आई हूँ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट अभी ना मैं आप लोगों को हाथ से टच करके दिखा सकती, क्योंकि अभी रात हो रही है तो ये सो रहे होंगे ना इसी वजह से, तो नहीं दिखा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से टच करके दिखाती ना तो और अच्छा लगता, बट ठीक है चलता है कोई बात नहीं। और अभी मैं अपने इस वाले वीडियो लोग को करती हूँ यहीं पर एंड,
कैसा लगा आप लोग को, आप लोग बताइएगा ज़रूर। मतलब हम लोग मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए साड़ी की, वो परचेस करके लेकर आ चुके हैं, वो मैं आप लोग को फिर किसी ब्लॉग में बताऊंगी कि साड़ी किसके लिए परचेस की हुई है। और राशन वगैरह लेने के लिए गए थे, नर्सरी गए थे, तो प्लांट लेने गए थे, एक और जो प्लांट लेकर आना था ना बस वो वाला प्लांट नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि 15 दिन 1 महीने बाद जब भी आएगा तब परचेस कर लूँगी मैं, वो दिक्कत नहीं है। बट चलो अभी इस वाले वीडियो ब्लॉग को करते हैं ही, पर हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, चल।